वेलकम बैक दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ईवी मेनिया इनोवेशंस में। आज का वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है केली कंट्रोलर्स के ऊपर, और आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि केली कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, उसके लिए मोटर के साथ केली कंट्रोलर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, इसके लिए हम लोगों को बेसिकली यानी कि प्रोग्रामिंग और कनेक्शन के लिए हम लोगों को कौन कौन सी एसेसरीज या फिर इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं पूरे विस्तार के साथ केली कंट्रोल की प्रोग्रामिंग कनेक्शन, और इसके बाद देखते हैं हमारी मोटर का ट्रायल। के कंट्रोलर के लिए आप लोगों को ऑनलाइन उसके पूरे सर्किट डायग्राम आसानी से मिल जाता है उसकी वेबसाइट पर। तो यहां पर आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि कैसे आपके मोटर की आप लोगों को फेस वायरिंग करनी है, और कैसे बाकी के जैसे कि हॉल सेंसर के कनेक्शन करने हैं, थ्रोटल के कनेक्शन करने हैं, ब्रेक्स के और फॉरवर्ड रिवर्स के और बाकी दूसरी चीजों के कनेक्शन आप इस सर्किट डायग्राम की मदद से भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि केली कंट्रोलर के केस में आपको मोटर के साथ लोड पर उसका ट्रायल लेने से पहले उसकी प्रोग्रामिंग कर लेनी है, और उसकी प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको उसके सारे कनेक्शन कर लेने हैं और उसमें पावर सप्लाई देनी है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कनेक्शंस के लिए। एक यहाँ पर हमको लगेगी मोटर, जो कि एक कॉम्पेच की मोटर अभी यूज कर रहा हूँ 3 किलोवाट की। इसके बाद लगने वाला एक बैटरी पैक, क्योंकि हम लोग नो लोड पर ट्रायल करेंगे इसलिए आप छोटे पावर का बैटरी पैक भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको लगेगा थ्रोटल आरपीएम को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लगने वाला आपको एक प्रोग्रामिंग केबल, जो कि होने वाली RS232। यहाँ पर आपको एक कनेक्शन मिलता है और एक डोंगल मिलता है, एक केबल मिलती है ऑलरेडी केली कंट्रोल के साथ, उसके साथ आप 232 केबल ज्वाइंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 232 USB कन्वर्टर को यूज़ किया अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए। ये देखिए इस टाइप से मैंने उसके कनेक्शन कर लिए। ये मेरा सेकेंड पॉइंट जो है USB पॉइंट है, जो कि मेरे लैपटॉप में कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए, ये हमारे पास 3 फेस वायर हैं। अब हम लोग तीनों फेस वायर को सबसे पहले कनेक्ट कर लेंगे कंट्रोलर के साथ, और ये जो कंट्रोलर है इस पर आपको UVW इस टाइप के 3 नॉमिक्लेचर मिलते हैं M6 के बोल्ट के साथ। तो सबसे पहले ग्रीन कलर को, यहाँ पर अगर कॉम्पेच की मोटर के साथ बात की जाए तो कॉम्पेच की मोटर के कनेक्शन है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो यू पॉइंट है वहाँ पर हम लोग ग्रीन कलर के फेस वायर को कनेक्ट करेंगे। ये यहाँ पर हम लोगों ने ग्रीन कलर का जो फेस वायर है वो कनेक्ट कर दिया है। अब वी के साथ हम लोग येलो कलर का कनेक्ट करेंगे। हालांकि दोस्तों आप सर्किट डायग्राम को फॉलो करके भी कर सकते हैं, और या फिर अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। अगर आप सर्किट डायग्राम को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर हॉल सेंसर के कनेक्शन जो आप करेंगे तो उसमें कलर कोडिंग आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर वी के साथ येलो कलर का मैंने कर दिया कनेक्ट, और डब्ल्यू के साथ हमारा जो ब्लू कलर है वो कनेक्ट हो जाएगा। अब ये डब्ल्यू के साथ ब्लू कलर का जो मेरा फेस वायर है वो कनेक्ट हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से मेरे जो बेसिकली 3 फेस वायर हैं ये कंट्रोलर के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे सप्लाई वायर की, और सप्लाई वायर के लिए आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास बॉटम में 2 पॉइंट है, जिसमें कि मैं बैटरी का रेड और ब्लैक कनेक्ट करूँगा। सबसे पहले ब्लैक वायर कनेक्ट कर देते हैं। यहां पर आपको ब्लैक वायर के लिए भी यहां पर मैंने ब्लैक वायर कनेक्ट कर दिया है बी निगेटिव के साथ, और इसके बाद जो मेरा रेड वायर है, यहां पर रेड वायर में आप देखेंगे कि रेड पॉइंट के साथ आपका पहले फ्यूज लगा हुआ है और उसके बाद ये कनेक्शन है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि बैटरी के कनेक्शन के टाइम पर आपका जो स्विच है वो बंद होना चाहिए, यानी कि जो स्विच है वो ऑफ कंडीशन में होना चाहिए। ये देखिए स्विच वायर मैंने ऑलरेडी एक कनेक्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये आपको कनेक्टर में पिंक कलर का वायर मिलेगा जो कि स्विच के साथ आपका कनेक्ट होगा। यहाँ पर इस पिंक कलर के वायर साथ आपको स्विच के वायर को कनेक्ट करना है, और जो सेकेंड वायर इसका निकलेगा स्विच का, क्योंकि स्विच में आपको डायरेक्ट सप्लाई देनी है 48 वोल्ट की, तो आप बैटरी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको कंट्रोलर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी एक लग लगा के रखा हुआ है, और इस लग को मैं बैटरी के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लूंगा। चूंकि अभी मैं ट्रायल ले रहा हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैटरी का वायर हो गया है, और मेरा जो स्विच का वायर है, इन दो वायरों को मैं
पॉजिटिव यानी कि रेड वाली कलर की सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर इन दोनों वायरों को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब मेरे यहाँ पर ये सप्लाई जाएगी, मेरी एक सप्लाई जाएगी स्विच में और एक सप्लाई जाएगी कंट्रोलर में। अब ये एक तरह से कनेक्शन मेरे कंट्रोलर के पूरे हो गए हैं। यहाँ पर मैं बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। अब ये स्विच का मैंने कनेक्शन कर दिया है। अब बाकी के कनेक्शन की बात कर लेते हैं जो कि मैंने कनेक्ट किए हुए हैं। अभी मैंने कलर के साथ कलर को मैच किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर के साथ कलर को मैच किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने तीन थ्रोटल के वायर कनेक्ट किए हैं जो कि 24 और 3 नंबर के जो तीन कलर वायर है ये इसके साथ 23 और 4 नंबर के वायर जो है ये थ्रोटल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अब मेरे सारे के सारे कनेक्शन हो गए, हॉल सेंसर के कनेक्शन हो गए, थ्रोटल के हो गए। ये मेरा प्रोग्रामिंग केबल भी लगी है जिसको मेरे को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है। अब मैं अपने लैपटॉप को इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग लेंगे ट्रायल। अब हम लोग चलते हैं लैपटॉप पर और देखते हैं केली कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग को। इस तरह का आपका विंडो ओपन होता है जब आप केली कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करते हैं। यहाँ पर आपको व्हीकल वाले सेक्शन में जाना है और सबसे इंपॉर्टेंट दो पैरामीटर सेट करने हैं, लोअर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज। क्योंकि मैं 48 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ इसलिए लोअर वोल्टेज ज़्यादा लो साइड में जाते हुए मैंने 36 वोल्ट सेट कर दिया। हालांकि आप 42 या 44 भी सेट कर सकते हैं। ओवर वोल्टेज मैं 60 वोल्ट सेट कर रहा हूँ हालांकि मैं 56 वोल्ट भी सेट कर सकता हूँ। इसके बाद अगला जो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है वो करंट परसेंटेज है। यहाँ पर मैंने 90% सेट किया है यानी कि मेरा कंट्रोलर मैक्सिमम करंट जो उसको मिलने वाला उसका 90% तक यूज़ करेगा। बैटरी लिमिट मैंने 95% सेट कर दी है। इसके बाद के जो पैरामीटर है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें मेरे को छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगले जो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हम लोगों को चेंज करना है वो है मैक्सिमम स्पीड का। यहाँ पर आपकी मोटर का आप स्पीड देख लें, उसके हिसाब से आप डाल दें। चूंकि मेरी मोटर की 3000 है इसलिए मैंने यहाँ पर 3000 स्पीड डाल दी है। अब देखिए इस तरह से मैंने लैपटॉप के साथ ये यूएसबी केबल को कनेक्ट कर दिया जो कि बेसिकली RS232 टू यूएसबी कन्वर्टर है जो कि मेरे केली कंट्रोलर के प्रोग्रामिंग केबल से जॉइंट है। यहाँ पर सामने आपको दिख रहे हैं ये जो है मेरे सामने जो है तीन कनेक्टर है मेरे थ्रोटल के। यहाँ पर 24-3 का आपको पॉइंट का यूज़ करना है, ब्लैक टू ब्लैक को किया है, रेड टू रेड और ग्रीन को ग्रीन से कनेक्ट किया है। ये मेरा थ्रोटल है। ये देखिए तीनों वायर को आप चेक कर लीजिए, तीनों वायर प्रॉपरली जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं थ्रोटल के। और सेंसर के लिए आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन से ग्रीन कनेक्ट होगा, ब्लैक से ब्लैक, रेड से रेड, ब्लू और येलो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे तो उसके बाद आपके हॉल सेंसर के कनेक्शन हो जाएंगे। आपको हॉल सेंसर के वायर्स को कनेक्ट कर लेना है और एक बार चेक कर लेना चलाने से पहले। ये मेरे बैटरी के वायर, ये मैंने बैटरी का कनेक्शन पॉइंट कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर आप देखिए मेरे कनेक्शन को मैं एक बार ऐसे क्रॉस चेक कर रहा हूँ, UVW, ग्रीन येलो ब्लू, बैटरी का ब्लैक टू ब्लैक और रेड टू रेड, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, और इसके साथ मेरा स्विच का वायर कनेक्टेड है। तो मैंने एक बार सारे कनेक्शन फिर से क्रॉस चेक कर लिए। ये मेरी मोटर है। अब हम लोग स्विच ऑन करते हैं और हमारे कंट्रोलर को सप्लाई ऑन करेंगे। जब भी आप स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो केली कंट्रोलर से आपको एक बीप साउंड मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपका पावर ऑन ऑफ हुआ है। और अगर कनेक्शन कहीं गलत होंगे या तो फिर अगर स्पेशली अगर हॉल सेंसर के कनेक्शन गलत होंगे तो आपके केली कंट्रोल से कंटिन्यूस बीप साउंड आता रहेगा। अब यह देखिए कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद ये मैं मोटर चला रहा हूँ मेरे थ्रोटल को पुश करने के बाद, और देखिए मेरी मोटर प्रॉपरली चल रही है। एक जो अच्छा ऑब्जर्वेशन मुझे मिला है वो ये है कि अब मेरी मोटर का साउंड जब मैं नॉर्मल कंट्रोलर से चला रहा था, चाइनीज कंट्रोलर से, तो ज़्यादा साउंड था हमिंग साउंड, अब वो हमिंग साउंड काफ़ी कम हो गया और मोटर की स्मूथ जो है काफ़ी स्मूथ चल रही है केली कंट्रोलर के साथ। यहाँ पर ये देखिए प्रोग्रामिंग कंट्रोलर का पॉइंट, और इस तरह से मेरे केली कंट्रोलर के सारे कनेक्शन और ट्रायल कंप्लीट हो चुका है।